नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा की वो विभत्स घटना जिसे याद करने के बाद भी दरभंगा सिहर जाता है। कहा जाता है कि ये ट्रिपल हत्याकांड निश्चित तौर पर पूरे दरभंगा को एक अपराधियों का वो चैलेंज था पुलिस के लिए उस समय कि किस तरह घटना घटी। आज बता दें, लगभग 8 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 या 3 अपराधी बाकी हैं। परिवार जो पीड़ित है, अनिल सिंह की मां, अनिल सिंह की पत्नी और उनके पुत्र, सभी बेसब्री से उन तमाम अपराधियों को जेल के पीछे देखना चाहते थे जिन्होंने इस तरह घटना को अंजाम दिया और पुलिस को चुनौती दे डाली है। हमारे साथ क्या लगता है कि आप जगन्नाथ रेड्डी से मिलने गए थे, उस समय क्या लगा कि न्याय मिलेगा? उस समय हमको सर नहीं मिले थे, एसपी सर, तब जैसे वो उनका आती और जैसे पुलिस वाले थे वहाँ पर उनके ऑफिस में, वो लोग बात उनसे बात किए वहाँ के थाना वाला से, बहरी थाना से, तो बोले जो ठीक है सर, हम बोल देंगे तो हो जाएगा काम। तो हम लोग चले आए थे। अब बाद में जैसे सर को बोले या नहीं बोले सो, तो 8 लोग लगभग गिरफ्तार हुए हैं। क्या लगता है आपको कि अनिल सिंह की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और कांड का उद्भेदन हो रहा है? 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2-3 बाकी, 2-3 बाकी है। मैं परदेसिया था उसमें स्पॉट पर, मनोज ठाकुर था, तो परदेसिया जो गिरफ्तार किए हैं तो परदेसिया जो है से बताए, मैं वहाँ था, 3 आदमी मेरे गाड़ी में थे, मेरे हस्बैंड थे और उसके साथ मेरे देवर थे और एक गार्ड था, तीनों की हत्या हो गया। एक जो है से ड्राइवर थे उससे मिला हुआ था अपराधी से, तो उसका भी घर पतोरे है। तो गार्ड को जो सामान था तो वही लोग लिया जो मास्टरमाइंड है, और बाकी जिससे हत्या हुआ किसका उसका भी सामान उपलब्ध करे, उसको फिर से डिमांड पर ले दोनों को, परदेसिया को मनोज ठाकुर के आ उस ड्राइवरों को ले, सबको डिमांड पर ले कि उससे हत्यार निकल, जो भी हत्यार से। आप चाह रहे कि कांड का उद्भेदन हो, मतलब कौन कौन और भी हैं, कुछ सफेदपोश भी होंगे? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पुलिस उसको रिमांड पर ले और पूछे कि आखिर मेरे पापा उसका क्या बिगाड़े थे जो पापा को मारा। अगर पापा उसको कुछ बिगाड़े रहेंगे या क्या, तो हम लोग भी ना समझेंगे कि आखिर क्या कारण था पापा को मारने का। आज तक ऐसा पूरा पापा का इतिहास रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज तक पापा पर कोई भी 307 का केस भी नहीं है, 302 तो दूर समझिए, हाफ मर्डर नहीं है, मर्डर केस तो बहुत दूर की बात है। तो आप चाहते हैं कि जो इस कांड का उद्भेदन हो, एसएसपी से क्या चाहते हैं? एसएसपी साहब को यही हम कहना चाहते हैं कि उसको रिमांड पर ले, उससे रीज़न पूछे कि आखिर मेरे पापा को मारने के पीछे इसका कारण क्या था, वो क्यों मारा मेरे पापा को, हम यही जानना चाहते हैं। तो देखिए, परदेसिया की गिरफ्तारी के बाद जिला पुलिस की एक और जिम्मेवारी हुई है कि जो पूरे दरभंगा के ही नहीं पूरे मिथिलांचल, क्योंकि ये घटना जो है मधुबनी और समस्तीपुर, खासकर समस्तीपुर के कुछ अपराधी भी इसमें शामिल थे, तो ये जानना चाहती है कि आखिर इस घटना के पीछे रहस्य क्या था, कौन कौन थे इसमें शामिल, अगर कोई सफ़ेदपोश है तो वो कौन सफ़ेदपोश थे। परिवार, पीड़ित परिवार आज भी ये सवाल दरभंगा एसएसपी से, चूँकि उम्मीद है कि दरभंगा एसएसपी जिस त्वरित गति से अपने पदस्थापना के बाद से ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को उम्मीद है कि इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस जानकारी देगा, परिजनों को बताएगा कि आखिर अनिल सिंह हत्याकांड किस वजह से हुआ और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम एसएसपी से भी जानेंगे कि आखिर परदेसिया की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा और समस्तीपुर के कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसे राज हैं जो अनसुलझी भी थी, उस पर भी राज खुलेगा। जेल से एक लड़का निकला था, आया था तो वही बोल रहा था कि ऐसे ऐसे जेल में समस्तीपुर वाला शूटर बोल रहा था कि परदेसी बॉस के पास गार्ड वाला पिस्टल है, ये सब बोल रहा था। ये बात आप पुलिस को देंगे जानकारी? एसएसपी पर आपको विश्वास है तो एसएसपी को? एसएसपी, सिर्फ हमको एसएसपी साहब पे विश्वास है,
और समस्तीपुर का जो शूटर है वही बोल रहा था कि जो जो स्पॉट पे था उस सब का नाम बोला है कि हम लोग वैसे मारे हैं वैसे मारे हैं, यही सब अपना नाम वाहवाही के लिए वैसे बोल रहा था कि, तो ऐसे ही पूछा कि वो लड़का पूछा कि इधर दारू वाला केस में गया था, तो वो लड़का पूछा कि जो गार्ड अनिल सिंह के गार्ड के पास पिस्टलो रहे तो वो की भेज गए, तो वही बोला कि वो तो परदेसी बॉस के पास है ओकरा पकड़ना अति आसान है कि, ऐसे ही बोल रहा था ये शूटर। एसएसपी को बोलेंगे बोलेंगे तो बताइए, देखिए इस पूरे घटनाक्रम अब निगाहें एसएसपी पर है, दरभंगा एसएसपी अब इस परदेसिया की गिरफ्तारी के बाद परदेसिया कितने ऐसे केस में संलिप्त हैं, परदेसिया के पीछे जो कहानी है उस कहानी को भी दरभंगा एसएसपी अभ्याय करेंगे। हमें लगता है कि एक दो दिन में पुलिस के पास सारे वो सबूत होंगे, सारी जानकारी होगी, जिसे पीड़ित परिवार जानना चाहेगा कि आखिर अनिल सिंह के हत्याकांड का वास्तविक राज क्या। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।